क्यासर नथाई काटिदे कि रोगी अंग राज्य सबुठू बड़ मेडिकल कलेज जेसीबी विरोध अभियोग पाथोलोजी विभाग देखा दुईट रिपोर्ट में दुईट नमूना नंबर घर लैब्रु मिला नेगेटिव रिपोर्ट। नरसिंहपुर अंचल गुलीबिद्ध दंतार मृत्यु शिकारी गुड़ आहत होगापर चार दिन धरी जीवन सह करुला संग्राम शरीर में बाजिता पांच गुड़ सन्देह वन विभाग भूमिका। बाबूसन और पत्नी तृप्ति शतपथी मध्य आपोष समाधान नहीं आरंभ है उद्यम। तृप्ति को बुझाइबा पहुंचला अभिनेता रवि मिश्र सेपटे निज घर छात उपर प्रतिक्रिया दे प्रकृति कहे समय आसे देवे सबु उत्तर। अर्पिता मुखार्जी ओलीउड लिंक को नहीं बढ़ला चर्चा। अभिनेत्री गुनगुन सहित परिचित थे पार्थ चाटार्जी सहयोगी सोशल मीडिया पोस्ट मिला तथ्य गुनगुन कहे बंधुता रही संपत्ति विषय अज्ञ। केन्द्रापड़ा डी और संजीव सिंह अमाप संपत्ति दरमा टंकारे बाजुन हाथ उपरी रोजगार बनी कोटिपति गत 27 तारीख में लांच ने बेले धरा पड़ते जिला शिक्षा अधिकारी संजीव सिंह। विधानसभा पुणी उठला रक्तभंडार सुरक्षा प्रसंग श्रीजीव को सुना सुरक्षित अच्छी कि नहीं बोली प्रश्न कले कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा कहे रत्नभंडार चबी खोजा टंका खर्च होले आसुनी रिपोर्ट। राज्यर सबुठारु बड़ मेडिकल कटक एससीबी मेडिकल जहां एम्स प्लस हस्पिटाल परिणत करने सरकार अंटा भिड़ुता बेले बड़ मेडिकल को नहीं एपरी एक अभियोग जहां समस्त को आश्चर्य करिछे। कैंसर होता दर्शाई डाक्तर काटिदेले रोगी अंग केमो मध्य दि जाइए घर लैब कैंसर परीक्षा रिपोर्ट नेगेटिव एससीबी पैथोलॉजी विभाग दे रिपोर्ट नमूना नंबर में तालमेल रोनी। ढेंकानाल जिला कामाख्या नगर अंचल 45 वर्षिया प्रदीप्ता शतपथी तांको छाती रे एक मांस बढ़िबारु गत वर्ष अगस्त 6 तारीख रे एसीबी सर्जरी विभाग को चिकित्सा पाई जाइथिले। सेठारे तांकर कैंसर परीक्षा करा जाइथिला। बायोप्सी रिपोर्ट नेगेटिव आसिबारु डाक्तर औषध खाइबा लागि परामर्श देबा सह चलित वर्ष जनवरी 26 तारीख पर अस्त्रोपचार पाई समय देथिले किंतु करोनार तृतीय लहर जोगु मार्च 16 तारीख रे होइथिला ऑपरेशन। एसीबी सर्जरी विभाग रे तांकर अस्त्रोपचार करा जाई मांस को बाहर कर दिया जाइथिला। अस्त्रोपचार परे बाहरी थिबा मांस को बायोप्सी पाई पुणी थरे पठा जाइथिला। एप्रिल 6 तारीख रे कैंसर पॉजिटिव थिबा रिपोर्ट आसीथिला। कटकस्थित आचार्य हरिहर कर्कट केन्द्र को से चिकित्सा पाई जाइथिले। एसीबी पैथोलॉजी देथिबा रिपोर्ट को आधार करी मे 13 तारीख रे डाक्टर पुणी थरे अस्त्रोपचार करथिले। जून मासरु दुईटी केमो मध्य दिया जाइछि। भूल रिपोर्ट पाई अंग हराइले रोगी एसीबी रे पॉजिटिव घरोई लैब रे नेगेटिव जो रिपोर्ट आसीला बाहरु सेइ जों ट्रीटमेंट केमो मु नै गली भूल रे नंबर चुटी आउ ते कुंडी होछि खराब होला किना बाहर गो जगह टेस्ट करथिले जोटा कि आसीला नेगेटिव तापर आमे जहाँ पर ट्रीटमेंट करूँ ताको आमे देखेलु से आमे कहले कि आपन को तो किछि बाहरु नै जोटा पॉजिटिव जो महमटा एक्चुअली पॉजिटिव अछि सेइ महमटा ही आमे बाकु आनु जोटा कि आमे किछि आगो को करि पाइया। तापर आमे सेइ महमटा पई आमे पुन थरे गलु से माने हमको कहले हमर महमा पकरे नै तापर से माने गले कोन टेस्ट करले देखिले देखला पर से कहले आपन को मांगर एक्चुअली टाइपिंग एरर सेइ टाइप रो कोन टाइप खाली एरर कहले हमको कहला पर आपने रिभाइज रिपोर्ट दौर तापर आम रिभाइज रिपोर्ट गोटे आमको देले जोटा कि बर्तन टोटल नेगेटिव अच्छे। तीन रिपोर्ट को देखु एप्रिल 6 तारीख में एसीबी पैथोलॉजी विभाग पॉजिटिव रिपोर्ट देखा। आचार्य हरिहर कर्कट केन्द्र रेडियोथेरापिस्ट मनरे संदेह उपजार आउ थे आचार्य हरिहर कर्कट केन्द्र में परीक्षापी मात्र एसीबी कर्मचारी नमूना देवा मना करते हिस्टोपाथोलोजी को जीवापर नमूना नंबर P53 और P63 संशोधन कर रिपोर्ट देते जहाँ को नहीं द्वंद्व उपजार घर लैब नमूना परीक्षा करते पर लोक सेठे रिपोर्ट नेगेटिव आ एसीबी रे नमूना रिपोर्ट नंबर रे होइथिबा त्रुटि को टाइपिंग एरर ओ मनुष्यकृत बोली कहिथिले एसीबी कर्मचारी। परिवार लोक संदेह करुचंती भिन्न नमूनार रिपोर्ट दिया जाइछि। ऑपरेशन हेले तार एप्रिल 6 तारिख दिन हमर पॉजिटिव रिपोर्ट आसीला। पॉजिटिव रिपोर्ट आसला पर हमें समस्त भांगी पड़छलु घरे तापर हमें आचार्य हरिहर रे देखैलु तापर एडमिशन करिकिना ऑपरेशन हेला मे मसरे तापरे गोटे केमो दीटा केमो दियाला डॉक्टर कहले कि आमे
आगुक चिकित्सा करने केतटा केमो दिजो केतटा रेडियोथेरापि दिजो तापर आम हस्पिटाल महमटा आण फास्ट आम आचार्य हरिहर को कलु महम आने अंग कटाला तार बायोप्सी महम आने से कहले कि टीस्यू ना आप ने भी किसी फायदा ना आपड़ जातु भारी जो भी पजिट आठी जाए आणतु आम तेठी गलु आम पजिट रिपोर्ट आने पजिट आने से गलु से फास्ट आमको दे कहे आपण माँ रिपोर्ट जो अच्छी महम आपर मेल खाऊनी आप जा ठीक से देखिक आणतु ठीक से तपर आम पुणी से पाथोलोजी गलु हिस्टोपाथोलोजी से आमको चेंज करदे पेन काटिक पी 53 को पी 63 चेंज करके आमको देपर आमको आमको महम मिलला। तबे एसीबी कर्तृपक्ष कहिछन्ति अभियोग आसीबा परे रिपोर्ट मगा जाइछि जदि केही त्रुटि करथिबे तबे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। ताकर जो टिश्यूटा आसीथिला आम पाखु सेटा 2 सेंटीमीटर रो टिश्यूटा से जो 2 सेंटीमीटर रो टिश्यूटा को आमर 3टा सेक्शन करा हेथिला 3टा सेक्शन रु से गोटे सेक्शन रे तार कैंसर टी आसीछि किंतु अन्य सेक्शन 2टा रे आसी नथिला तेणु जो कैंसर जो टिश्यू सेक्शन टे कैंसर आसी स्टिल से स्लाइडटा आम पाखे स्टिल अच्छी किंतु अन्य जो ये टिश्यूटा जोटा थी अन्य सेक्शन रे सेटारे आमर P63 पड़ा जोटा कि सेटा P63 पॉजिटिव देखा दैट टू फोकाल देखा आउ जोटा फोकाल भी देखा सेटा आमर मायो एपिथेलियल सेल रे पॉजिटिव आसे जोटा कि आमर कैंसर नुहे तेणु कैंसर हवा जोटा से आम पाखे ऑलरेडी स्लाइडटा अच्छी लोकर अभियोग आम ऑफिस पाई सुपरिटेंडेंट एचओडी पाथोलैब को तापर गोटे डिटेल रिपोर्ट मागिंट से रिपोर्ट पाइला सत्यासत्य जमापड़ बाकी सहित मुझे पर्सनाली कथी तापर से डिटेल रिपोर्ट खूब शीघ्र देदेवे जहाँ कथबार्तार जमापड़ी रिपोर्ट कौन भूल ना बाकी डिटेल रिपोर्ट पाइले आम अंग हर दुईट केमो नहीं रोगी जनक अवस्था शोचनीय हो पड़ी रिपोर्ट को नहीं सन्देह उपजा पर चिकित्सा बंद रही कैंसर अच्छी केमिति हेब स्पष्ट जदि कैंसर होना तेज एथपाई किए दायी रही हॉस्पिटल कर्तृपक्ष उत्तर दायित्व ने राज्य सरकार किसी व्यवस्था करेंगे अनेक प्रश्न उठी। कामाख्यानगरु राकेश देहुरी कटकरु कैमरामैन प्रमोद सौम्यरंजन चौधरी एवं भुवनेश्वरु कैमरामैन बाणीनंदन सौम्यजित सिन्हा रिपोर्ट कनक न्यूज। विपदरे गजराज शेषरे मृत्यु सह संग्राम बारे हारी जाइछि दंता नरसिंहपुर अंचलर बारासिंघा सरंखित जंगल में चिकित्सित होउथिबा गुड़िविद्ध दंता प्राण हराइछि शिकारी गुड़ शिकार होइथिबा दंता हाथीटी 4 दिन धरी जीवन सह संग्राम करी शेषरे प्राण हराइछि नरसिंहपुर और सातकोशिया पशु डाक्तर दंतार चिकित्सा करुते गोटे कि दुईट नुहे हाथी देहरे बाजी पांचटी गुड़ गुड़ शिकार होगापर किद जंत्रण से एणे तेणे बुलवापर वन विभाग चेता पशिता और दंतार चिकित्सा करने उद्यम आरंभ होता है शेषे दंताटे आखि बुझी बारंबार दंता हाथी को गुड़ कर शिकारी एवं प्रायतः सबु जंगल में शिकारी प्रादुर्भाव बढ़ी जार परिणाम हाथी को भोगवाक पड़ी केतेबेले हाथी को मारी दांत काढ़ी ने शिकारी तो पुणी केतेबेले गुड़ी खाई जंगल में बुलू हाथी किछी दिन पूर्व नरसिंहपुर जंगल में अनेक दंता हाथी को गुड़विद्ध अवस्था देखा मिलता प्राणी चिकित्सकों उद्यम सत्वे हाथी किंतु प्राण हर पर वन विभाग 6 शिकारी को गिरफ्त कर कटक बड़म्बा नरसिंहपुर में गोटे पर गोटे हाथी कंकाल मिलवा घटना सारा राज्य में आलोड़न सृष्टि कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रति कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी अशाड़ीन मंत्य को नहीं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक काहीं चुप एने ट्वीट करी प्रश्न उठाई विरोधी दल उपनेता विष्णु सेठी महामहिम राष्ट्रपति ओडिशार गर्व और निजर भौणी कहते अपमान बेले मुख्यमंत्री केमिति चुप रही विष्णु सेठी प्रश्न करते बीजेपी विधायक मोहन सेठी से कथा दोहराई सेपटे गणशिक्षा मंत्री समीर दास कहते अधीर रंजन मंतव्य को बीजेडी विरोध कर द्रौपदी मुर्मू को मुख्यमंत्री किपर भाव समर्थन देते समस्ते जानते अधीर रंजन चौधरी जो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रसंग को लेकर जो कथा कहले ता अति स्पर्शकातर कथा से रिएक्शन हवा प्रतिक्रिया हबार स्वाभाविक कथा
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖାଯାଇଛି ଏଣୁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କର ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅପମାନ ଥିଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଚୁପ୍ ନ ରହିକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯେ ବିଜେପି ବନ୍ଧୁମାନେ ଖୋଜିଲୋଡ଼ିକରି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ବନ୍ଧୁମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ସେ ତାହା କିପରି ଭାବରେ ଥିଲା ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ଦଳ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଖୋଜିଲୁ ଚୁପ୍ କେହି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କଥାରେ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଏମ୍ପିମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଇଛି ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମିଲ ଅଛି। ବିଧାନସଭା ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ପୁଣି ଉଠିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅସୁରକ୍ଷିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଗୃହରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା କମିଶନ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ। 2018 ମସିହାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାବି ଖୋଜା ହେବା ପରେ ଏହା ହଜିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁନା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଉଦ୍ବେଗ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। କହିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଗଠିତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହାଉସରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗତ 21 ବର୍ଷରେ ସରକାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ 24 କମିଶନ ବସାଇଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହୋଇପାରିନି, କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ଅବଧି ବଢ଼ାଯାଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟକୁ ହାଉସରେ ଲେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଲେ କରାଯାଉ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କି କି ରତ୍ନ ଅଛି, କେତେ ରତ୍ନ ଅଛି, ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଉ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଆସିଛି ସେଥିରେ ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ କାହିଁକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲାଯାଉନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ସରକାର ଭିତରିଆ ଭାବରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟାଇଛନ୍ତି କି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ। 2018 ମସିହାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାବି ଖୋଜା ହେବା ପରେ ଏହା ହଜିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 1970 ମସିହା ପରଠାରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ, ଚାବି କିଏ ହଜାଇଛି, ଚାବି ଏବେ କାହା ପାଖରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ରଖିବା ଉଚିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିନୟ ଓ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।